अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अभ्यासत आहोत खोप्यामध्ये खोपा कविता क्रमांक 5। पहिल्या भागात आपण कवितेची प्रस्तावना बघितली आणि दुसऱ्या भागात ही कविता आपण ताला सुरात ऐकून घेतली। आता आपण तिसऱ्या भागाकडे वळू आणि कवितेच्या विस्ताराने वर्णन करू। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यासू खोप्यामध्ये खोपा। अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा सांगला, देखा पिलासाठी तीने झोका झाड़ाला बांधला। ये पहली चार लाइनें यहाँ पर इसका मतलब बड़ा अच्छा और बड़ा आसान मतलब है। अरे खोप्या मधि खोपा सुगरिनी चा सांगला, सुगरन पक्षी का जो घोंसला होता है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही खूबसूरत है। खोप्या मधि खोपा सुगरनी चा सांगला, देखा पिलासाठी तीने झोका झाड़ाला टांगीला। झोके का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है झूला। देखा पिलासाठी तीने, देखो अपने बच्चों के लिए उसने झोका झाड़ाला टांगीला। झोके का मीनिंग बताया गया है झूला। देखो उसने अपने बच्चों के लिए झूला दरख्तों पर लटका दिया। पील निजिले खोप्या तो जैसे झूलता बंगला, पील निजिले खोप्या तो जैसे झूलता बंगला, तिचा पीला मधे जीव जीव झाड़ाला टांगला। देखो बड़ी खूबसूरत सी बात शायरा बहना भाई चौधरी यहाँ पर बता रही है। पीले निजिले खोप्या तो, खोप्या का मतलब तो हमको पता है कि घोंसला होता है। निजले का मीनिंग होता है सो जाना, यानी बच्चे कहाँ सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं घोंसले में सो रहे। पीले निजिले खोप्या तो जैसे झूलता बंगला, जैसे कोई बंगला झूल रहा है। पीला निजिले खोप्या तो जैसे झूलता बंगला, तीचा पीला मध्य जीव, उसकी जान किस में बची है, हर माँ की जान अपने बच्चों में बसी होती है। इस तरीके से सुगरन परिंदी की जान भी जो है वो अपने बच्चों में बसी है। तीचा पीला मध्य जीव जीव झाड़ाला टांगीला, और उसने अपनी जान कहाँ लटका दी, अपनी जान कहाँ टांग दी है, दरख्तों पर टांग दी है। टांग दी के मीनिंग होता है कि जैसे घोंसले में बच्चे सो रहे हैं, आपको मैंने बताया कि उसकी जान जो है अपने बच्चों में बसी है, और उसने अपनी जान कहाँ लटका दी है, कहाँ टांग दी है, दरख्तों पर टांग दी। खोपा इनला इनला जैसा गिल के अच्छा कोसा, खोपा इनला इनला जैसा गिल के अच्छा कोसा, पाकराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है खोपा इनला इनला जैसा गिल के अच्छा कोसा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खोपा इस तरीके से बुना है, इस तरीके से छोटा सा शानदार खोपा, खूबसूरत सा खोपा यानी घोसला इस तरीके से बुना है, जैसे होता है ना जैसा गिल के अच्छा कोसा, जिस तरीके से तुरई, आपको पता है ना तुरई की बेल होती है, गिल के अच्छा कोसा उसका मीनिंग ही होता है कि जिस तरीके से तुरई की बेल होती है उस तरीके से सुगरन परिंदे ने बड़ा उम्दा सा और बड़ा शानदार ये खोपा बनाया है। पाकराची कारागिरी जरा देख रे मानसा, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है आगे बहना भाई चौधरी, हम इंसानों को, हम लोगों को, हम तमाम दुनिया वालों को एक मैसेज दे रही है कि पाकराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। ए इंसानों, तुम भी परिंदों की खूबसूरत सी कारागिरी देख लो, तुम भी उनकी स्किल देख लो, किस तरीके से सुगरन परिंदे ने खूबसूरत सा घोंसला यहाँ पर बनाया है। तो हम तो इंसान है, हम क्या क्या नहीं कर सकते, हमारे पास तो दो दो हाथे दस दस उंगलियां, तमाम चीजें हमारे पास, दिमाग होते, सारी चीजें होती, हम क्या नहीं कर सकते। आखिरी चार लाइन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तिची उल्लूशीची चोच, उल्लूशीची बिल्कुल छोटी सी चोच जिसकी होती है ना उसको बोलते हैं हम, तिची उल्लूशीची चोच तेज दांत तेज होठ। यहाँ पर बहना भाई चौधरी बता रही है कि तिची उल्लूशीची चोच तेज दांत तेज होठ, तुले देले रे देवाने दोन हाथ दहा बोट, तुले देले रे देवाने दोन हाथ दहा बोट। इस तरीके से यहाँ पर बहना भाई चौधरी बता रही है कि सुगरन परिंदे की जो चोच होती है ना वो बड़ी छोटी सी होती है। आपने हमारे भाग नंबर 2 की वीडियो में देखा है आपको, तो 2.5-3 मिनट पूरा सुगरन परिंदे का एक वीडियो नजर आ रहा है, आप उसको जगह जगह बार बार देख सकते हैं। स्लाइड के जरिए हमने उनकी इमेजेस भी वहां पर, सुगरन परिंदे की इमेजेस भी वहां पर डाली है। तिची उल्लू शीची चोच तेज दांत तेज होंठ, तो शायरा बहना भाई चौधरी बता रही है उसकी छोटी सी चोच है और वही उसके दांत है और वही उसके होंठ है। और फिर एक हम लोगों को, हम इंसानों को एक मैसेज मिल रहा है कि तुले देले रे देवाने, आपको तो अल्लाह ने दस उंगलियां और दो दो हाथ दिए, तुला देले रे देवाने दोन हाथ दहा बोट। और बहना भाई चौधरी हम इंसानों को मैसेज दे रही है कि भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो है आपको तो दो हाथ और 10 उंगलियां दिए, तो आप क्या नहीं कर सकते। जब सुगरन परिंदा जो है वो एक घोंसला बना सकता है, वो इतना शानदार सा, इतना खूबसूरत सा घोंसला जब बना सकता है, तो हम तो इंसान है, हम क्या नहीं कर सकते, हम तो सारी चीजों को बिल्कुल बाखूबी अंजाम दे सकते। तो बहना भाई चौधरी की बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही शानदार ये कविता थी। यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। इस कविता में मैंने आपको शुरुआत में प्रस्तावना में बताया था कि खानदेशी बोली का इस्तेमाल हुआ है, और बहना भाई चौधरी का ताल्लुक भी जो है वो खानदेश से रहा। हमारी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आज बहना भाई चौधरी के नाम से जानी जाती है, आपको तो पता ही ये सारी चीजें। इस तरीके से बड़ी सी खूबसूरत भाषा शैली में इस कविता का वर्णन हुआ है। बहना भाई चौधरी के बारे में भी हमने सब कुछ जान लिया, और इस तरीके से हमारी कविता यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।